अरे बाप रे बाप, इसको पानी करके देखिए। ओह हो, इमर आओ इमर आओ। यहाँ पर क्या हुआ? बोल रहे हैं यहाँ पे 500 लोग घर थे और सब घर जो है दहा गया है पानी में। बाप रे, सामान सब रखा हुआ जो है। एक चक्की मिल था और देखिए क्या हाल हो गया है। हेलो दोस्तों, सादा सभी का हमारे एक और नए वीडियो पर। दोस्तों मैं आप सभी को जो है अपने चैनल पर जो है बिहार से रिलेटेड जो है सुपौल जिला के जो है बाढ़ के लगातार अपडेट्स देते आ रहा हूं। इससे पिछले वीडियो आप सभी दिखाया था थर्बिटिया की वीडियो, लेकिन आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं दोस्तों। अभी हम सुपौल आए हैं, यहां पर जो है आगे हम लोग जो है बेड़ियामन जा रहे हैं। बेड़ियामन से जो है आगे आप सभी को पता है कि कोसी का बांध पड़ता है इधर भी, तो इधर भी जो है जाके देखते हैं कि बेड़ियामन के आगे जो है यहाँ का क्या हाल है। यहाँ पर सुनने में आया कि एक पूरा जो है बस्ती जो है वो पानी के नीचे आ गया है, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है, कैसे पानी लगा हुआ है यहाँ पर। और अभी जो हम लोग यहाँ थोड़ा सा मलहद से आ गए हैं, तो यहाँ दिखाता हूँ आप सभी को कि क्या हाल है। इधर देखिए, ये जो है रोड है और रोड के जो है बिल्कुल सटा हुआ है पानी, मतलब थोड़ा सा और ऊपर आ गया है पानी तो ये जो है बिल्कुल रोड को छू जाएगा। और इधर देखते पूरा जो है पानी लगा हुआ है, ये सब जो है खेत है जहाँ पानी लगा हुआ है, बीच में कितने सारे जो है घर सब जो है डूबे हुए हैं। तो इधर अगर ये हाल है तो कोसी बांध के उस साइड जो है क्या हाल होगा, उधर का हाल तो जो है देखने लायक नहीं होगा, मुझे इतना संभावना यहीं से हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं आगे कि क्या होता है। ये हमारा गाड़ी है, बाइक लगा हुआ है, चलते हैं यहाँ से बेड़ियामन, उसके बाद जो है जाएंगे उसके आगे। इधर देखिए लोग जो है कोई चिंता ही नहीं है, आराम से अपना मचान डाल के जो है पानी के बीच में सोए हुए हैं। बाबा जी सोइए, आप आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि अभी आप सभी देख रहे हो कि ये जो है बांध के इस साइड जो है कितना सारा पानी लगा हुआ है। अभी आप सभी ने पहले भी देखा, जैसे हम लोग आ रहे थे तो कितना जो है पानी लगा हुआ था। और अब जो हम लोग पहुंचने वाले हैं बेड़ियामन, ये दिखाओ बेड़ियामन दोस्तों। अभी जैसे कि हम लोग जा रहे हैं बेड़ियामन की तरफ, आप सभी देख सकते हो। और यहीं पर जो हमें एक खबर मिला है कि काफ़ी एक भारी बस्ती जो है डूब चुका है, मतलब उसमें काफ़ी सारे लोगों के घर थे, उनके घर में जो है पानी घुस गया है, काफ़ी लोगों के घर जो है बहा गए हैं। तो ये जो है अभी हम पूरा जो है बांध के अंदर जा रहे हैं, मतलब पूरा बांध वाला एरिया आ जाएगा अब, और कोसी नदी जहाँ पे जो है छू जाएगी वहीं पर हम लोग अभी जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है जिनके घर बह गए हैं, उन्होंने जो है रोड के साइड में जो है घर बना लिया है। आगे चलकर आप सभी को दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो में आपसे बने रहिएगा। दोस्तों अभी जो हम लोग सुपौल जिला के मुंगरार नाम के जगह पहुंचे हैं, मुंगरार गांव है ये। और यहाँ आपसे दोस्तों पूरा जो है स्कूल सब जो है पानी लगा हुआ है,
बहुत बुरा हाल है। और आगे चलिए देखते हैं कि आगे, क्योंकि जो है कोसी नदी पड़ता है, ये गांव का एंड जो है वो कोसी नदी ही है, जहां पर जो है काफ़ी लोग जो है घर बहे हैं। तो आइए चल के दिखाते हैं आप सभी को वहां का क्या हाल है, वहां का क्या कंडीशन है। ये सभी कंडीशन जो है ग्राउंड पर जो है देखकर और बुरा लगता है। इसे कोई जाता है देखने के लिए और वहाँ देखता है अपनी आँखों से कैसे लोगों के घर बह गए, तो वो सब देख कर जो है और ज़्यादा बुरा लगता है। देखिए यहाँ पर जो है रोड ख़त्म हो गया है और आगे जो है कोसी नदी है, तो बाइक को ही पिछोड़ के जाएंगे। दोस्तों अभी जो है ये बेरिया मन से जो है करीब 2-3 किलोमीटर आगे हम लोग पहुँचे हैं। ये मोरार नाम का जगह है जो कि सुपौल जिला में ही आता है। तो यहाँ का आप सबको दिखा रहे हैं आज कंडीशन की कैसा है। इससे पहले आप सबको जो है थरबिटिया के भी जो है कंडीशन दिखाए थे, आप सभी ने जो है वो नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि कोसी बैरेज पर जो है पानी देखने से कुछ नहीं होगा। असली तो है ये सब सीन है जब जो है ग्राउंड पर आके देखते हैं कि ग्राउंड पर जो है कितना पानी है, लोगों का क्या हाल है। यहाँ पर जो है रेस्क्यू टीम भी आई है और पानी का बहाव आप सबको दिखाते हैं यहाँ पर कितना तेज है। उधर देखिए कितने लोग के जो घर है वो पानी के पूरा बीच में आते हैं, तो वहाँ का जो है जाना आना पूरा बंद हो चुका है। इधर से दिखाने पर ये मंदिर है यहाँ पे मुंगरार जिला सुपौल। कहाँ लगा है मशीन? इधर देखिए दोस्तों, ये भी किसी का घर था। अरे बाप रे, घर था किसी का यहाँ पे जहाँ हम खड़े दोस्तों जिस जमीन पे, इधर किसी का घर था। हैं? यहाँ पर क्या हुआ? बोल रहे हैं यहाँ पे 500 लोग घर थे और सब घर जो है दहा गया है पानी में। बाप रे बाप, हाँ वहाँ भी आगे में है घर सब। अभी भी पानी का फ्लो चल ही रहा है, ये नहीं कि रुक जाए सूख जाए। अब ये सूखने में लगेगा, काफी समय लगेगा सूखने में भी, है ना? गड्ढा हो गया तो सूखेगा थोड़ी। अब ये बनिए गया उसका जाना वाला। अभी 6 महीना साल भर लगे अपने जो होगा। अच्छा और वहाँ भी सामने कोई पुल बन रहा है क्या? वो जो पुल है क्या? पुल बना हुआ था, रास्ता था, देख रहे हैं वहाँ पे पुल चल कदम उसका पाया खड़ा है। हाँ हाँ, आप लोग का घर कहाँ हुआ? बेरिया मंच। अच्छा, हम लोग उधर से आए अभी। यहाँ तो पानी जा रहा है और इस साइड। यहाँ दोस्तों जब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जो है एक चक्की मिल था और देखिए क्या हाल हो गया है। पानी जो है सब कुछ जो है रातों रात दहा दिया है। और सबसे ज़्यादा जो है आश्चर्य की बात ये है कि यहाँ पर जो है लोग के घर हुआ करते थे। यहाँ देखिए आप सबको जो है उनका जो है कुछ टाट सब भी जो है दिख रहा होगा। पूरा लोगों का जो है करीब 500 लोग घर जो है इसमें जो है बह चुके हैं। दोस्तों तो इस तरह का हाल आप सभी को मैं दिखा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। देखिए ग्राउंड पर जो है बहुत बुरा हाल है। अब लोगों के जो है इसमें कितने लोगों के घर थे उधर जो है आप सभी देख सकते हो। उन लोग कुछ अपना घर छोड़ के जो है उधर जो है पुल्ले के पास जो है वो लोग अपना शिफ्ट हो गए हैं तंबू वम्बू लगा कर जो है। और यहाँ पर जो है अब ये पूरा बन चुका है बांध का रास्ता, जो कि बिल्कुल फ्लो पानी जो है बिल्कुल तेज हो रखा है और ये क्रॉस कर रहा है। Thank you.
जो आदमी सब जो उधर पानी से में फंस चुके थे उनको जब देखिए नाव से जो है लाया जा रहा है। वो एक नाव जो है आगे आ रहा है, आप सभी दिखाते हैं ज़ूम करके। नाव खिंचाई नहीं, हाँ अरे पानी का बहाव कैसे खिंचाएगा नाव, कितना जोर जोर से मार रहा है वो चप्पू, बहा ना जाए नाव भी। अरे बाप रे बाप, ये तो पानी करके देखिए, ओहो इमरावा देखिए, ये लोग जो है सब जो है फंस चुके थे और इनको जो है नाव से जो है लाया जा रहा है किसी तरह बचा बचा कर। पानी का बहाव देखा था कैसे खींच रहा था नाव को। आ गए आ गए आ गए, चलो बढ़िया है। देख दोस्तों सब लोग जो है आ रहे हैं, पूरा परिवार है यार, फंसा होगा भी पानी में। देखिए लोगों का जो है भीड़ लगा हुआ है इधर भी, वहाँ पर अगर पानी का बहाव अगर कंट्रोल नहीं होता वहाँ पे बाप रे बह जाते हैं लोग, तो नाव समेत कहाँ आगे चले जाते हैं। दोस्तों ये जो है मछली को ऐसे हाथ से पकड़ रहे हैं, रोड पे आ रखा है मछली। हाँ कौन सा मछली है, सिंगी है क्या है, डेढ़वा है घर रहे बोल रहे हैं जो है। इधर टोला है, इधर भी जो है साइड साइड में पूरा पानी लगा हुआ है। जा रहे अपने घर जा रहे हैं, सामान सब रखा हुआ है। कोई फ्री में नहीं जाएगा, काम होगा इसको जाएगा। कते तेज है जनाइए छिट जेते वहाँ दिन वहाँ ना मुझे बहुत कैसे कैसे बाहर है ये उधर का सार क्या ना उड़ेल के फतिंग आ जाए ये हो जा रहा है कत्ते बेग से सीधा उड़ेल पानी का बहाव इधर आदमी अरकान है पहुँच गए अपने घर वालों जिंदा रहते।